कोरोना वायरस का मुख्य लक्षण आप घर पे टेस्ट कर सकते हैं अपने अनुभव से। पहला कि आप नमस्कार, लोकल खबर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है सुभाष शेखर। कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर फीकी पड़ती जा रही है। झारखंड समेत देश में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार कमी होती जा रही है। इस बीच मौसम में बदलाव होने जा रहा है। गर्मी से बरसात का मौसम शुरू होने वाला है। बारिश के दिनों में अक्सर लोग भीग कर गीले हो जाते हैं और उनकी तबीयत खराब हो जाती है। ज़्यादातर लोगों को सर्दी, खांसी, बुखार और निमोनिया हो जाता है। वहीं कोरोना संक्रमण के लक्षण भी कुछ ऐसे ही होते हैं। ऐसे में बदलते मौसम में लोगों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सामान्य सर्दी बुखार और कोरोना के लक्षणों में क्या अंतर है, ये बता रहे हैं द विनायका हॉस्पिटल रांची के डॉक्टर चंदन कुमार। सर्दी, खांसी और बुखार। सर्दी जो है ये तीन तरीके से हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को तीन तरह से मेनली इन्फेक्ट करता है। जो इन्फ्लुएंजा वायरस होता है उसमें नाक से पानी आती है, कोरोना वायरस में नाक से पानी नहीं आती है। तो अगर आपके छींक या नाक से पानी ड्रॉपलेट्स आ रहे हैं, एरोसोल ड्रॉपलेट्स आपके आ रहे हैं, तो और माइल्ड फीवर है, तो ये कोरोना के लक्षण नहीं है। तो इससे घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ये मौसम के चेंज के कारण ये कॉमन है। आज से नहीं, बहुत दिन से है मैंने। और फिर ये बेसिकली इन्फ्लुएंजा वायरस कराता है। कोरोना वायरस में आपको प्रोडक्टिव कफ नहीं होता है। अगर आपको खांसी है, बैक्टीरियल है या निमोनिया के कारण आपको ये हो रहा है, COPD यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के कारण कफ हो रहा है, न्यूमोकोकल इन्फेक्शन बैक्टीरिया के कारण कफ हो रहा है, तो उसमें आपको जो खखार आपका निकलेगा वो हल्का ग्रीनिश कलर का या हल्का येलोइश कलर का आपका जो खखार होता है, जो कफ होता है, वो निकलता है। और कोरोना वायरस का लक्षण उसमें आपको सर्दी खांसी जो होती है, पहली बात तो कि उसमें सर्दी नहीं होती है। कोरोना वायरस का मुख्य लक्षण आप घर पे टेस्ट कर सकते हैं अपने अनुभव से। पहला कि आपको नाक से पानी नहीं आएगा, आपका नेसल डिस्चार्ज नहीं। दूसरा कि आपको हफनी नहीं, सर्दी में आपको नॉर्मल सर्दी खांसी है तो हफनी होती है, निमोनिया होता है उसमें थोड़ी हफनी होती है, बट कोरोना वायरस के केस में बहुत ज़्यादा आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता है। तीसरा, सर्दी खांसी में आपका सांस लेने का जो नॉर्मल होता है कि एक मिनट में 18 से 22 बार सांस लेते हैं हम लोग, तो ये सर्दी में 18 से 22 24 तक ही रहता है। कोरोना में ट्रैकैपनिया हो जाता है। ट्रैकैपनिया का अर्थ होता है कि आप तेजी तेजी से सांस लेने लगते हैं। उसी प्रकार निमोनिया में तेजी तेजी से सांस लेने लगते हैं। तीसरी बट कोरोना में आपका सांस लेने का जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आपके पास SpO2 मशीन नहीं है, आपके पास स्टेथोस्कोप नहीं है, रात गांव के लोग हैं वो कैसे पता करें कि मुझे है कि नहीं नाक का पानी, आप देख लीजिए क्या। तीसरी कि कफ में आपको ग्रीनिश डिस्कलरेशन वाला कफ अगर निकल रहा है तो निमोनिया है नॉर्मल, उसका आप निमोनिया का जाँच करवाएं, कोरोना से डरे नहीं। और अगर आपको ब्लैक या ब्लड टेस्ट स्टूपकूटम निकल रहा है तो आप कोरोना से संक्रमित हैं। और मेरा ये कहना है कि अभी जो डबल म्यूटेशन और ट्रिपल म्यूटेशन वाला केस आया है तो आप क्लिनिक्स में ना जाएं, आप सीधे हॉस्पिटल में जाएं। क्योंकि जहाँ तक
मैंने अनुभव किया कि क्लिनिक्स में जाने से डॉक्टर्स हमारे भाई जो हैं वो दवाई लिख देते हैं, परंतु एक माइंड सेट हो जाता है हॉस्पिटल और क्लिनिक के बीच में। क्लिनिक में हम लोग नॉर्मल ट्रीटमेंट करते हैं, हॉस्पिटल में हम लोग का माइंड सेट ही रहता है कि जो हमारे पास पेशेंट आ रहा है वो क्रिटिकल पेशेंट ही आ रहा है, तो हमारा माइंड सेट होता है। तो आप क्लिनिक में ना जाएं, आप हॉस्पिटल में जाएं और वहाँ आप सबसे पहले रैपिड एंटीजन टेस्ट कराएं, हर एक हॉस्पिटल में अवेलेबल है, गाइडलाइन ICMR और सुप्रीम कोर्ट और केंद्रीय मंत्रालय का, स्वास्थ्य मंत्रालय का भी गाइडलाइन से क्या, सबसे पहले आप टेस्ट करवाएं RT-PCR से। RT-PCR नहीं है आपके पास, आप रैपिड एंटीजन टेस्ट करा लें। ये मुख्यतः यही बातें हैं जिससे हमें, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप अब इनहेल कीजिए, सांस को लीजिए खींचिए और 30 सेकंड तक सांस को रोक के रखें, ठीक है। अगर आप 30 सेकंड तक सांस को रोक के रख ले रहे हैं तो इसका मतलब आप कोरोना से इन्फेक्टेड नहीं हैं, इसके लिए इतना घबराने की बात नहीं है।